Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome back friends with a new video, new satellite. So dosto, aaj ki video mein maine aapke liye BanglaBandhu 119 is KU band ko set kiya hai. First of all, aap LNB ki position dekhen. LNB ko aapne is tarah lagana hai jis tarah aapko nazar aa raha hai. To dosto, ye wo satellite hai jiske upar aapko free to air jo cricket dekhne ko milegi. Satellite ke upar BTV नेशनल एक चैनल है जिसके ऊपर आपको बिल्कुल फ्री क्रिकेट के मैचेस देखने को मिलते हैं. तो दोस्तों LNB की पोजीशन आपने इस तरह रखने हैं. तो दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको अपने एरिया वाकेंट के हिसाब से सैटेलाइट 119 KU बैंड BanglaBandhu का एलिवेशन एंड इंचेस बताऊंगा. तो दोस्तों इस सेटेलाइट का एलिवेशन वाकेंट के एरिया के लिहाज से 4.5 इंच बन रहा है. ये फासला मैं आपको इस लाइन से लेके इस लाइन तक बता रहा हूँ जितना इस सेटेलाइट का, यानी 4.5 इंच. अभी दोस्तों साथ ही मीटर भी पड़ा हुआ है. मैं आपको इसकी EDTP और इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी दिखा देता हूँ. ये बिल्कुल करीब भी पड़ा हुआ है. तो दोस्तों सेटेलाइट के सिग्नल हमारे एरिए में बहुत वीक हैं. ज़्यादा बड़ी मुश्किल से 23% सिग्नल इसके मिले हैं GTP. तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सेटेलाइट यानी BanglaBandhu 119 ईस्ट KU बैंड की जो चैनल लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करूंगा. तो दोस्तों टोटल मुझे 4 चैनल मिले हैं और इसकी EDTP भी आपकी नज़रों के सामने डिस्प्ले हो रही है. EDTP है 11,724, वर्टिकल 17,500. तो दोस्तों इस सेटेलाइट के जो सिग्नल हैं हमारे एरिए में बहुत कमज़ोर हैं. इसके बावजूद इस ओवल 3 फुट की डिश ने इसके सिग्नल्स को कैच किया है और रिजल्ट आपकी नज़रों के सामने है. सिग्नल स्ट्रेंथ 52% आ रही है और हमें मिला है BTV वर्ल्ड, BTV नेशनल. BTV नेशनल के ऊपर आपको लाइव क्रिकेट दिखाई जाती है. बाकी जो चैनल हैं उनमें डिस्प्ले करके आपको दिखा देता हूँ. BTV वर्ल्ड है, उसके बाद बांग्लादेश, संसाद है, नेक्स्ट जो है ये BTV जो चटोंग है. तो 4 चैनल मुझे मिले हैं. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. दोस्तों इसी के साथ अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम.